नमस्कार दोस्तों, वेलकम आप सभी का। आज हम कवर करेंगे बिग बैश लीग के बीच जो 45वां मैच सिडनी सिक्सर्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर के बीच 17 जनवरी को दोपहर को 1:45 पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला जाएगा। तो क्या इस मैच के लिए पिच रिपोर्ट्स रहने वाली है, रिसेंट मैचों को भी देखेंगे और इस पिच पर देखेंगे कि कितना स्कोर्स हो रहा है, कितने विकेट्स गिर रहे हैं ताकि एक अच्छी टीम बनाई जा सके, और कौन ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होगा, क्योंकि आज के मैच में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है लेकिन जो आपको एसएल जीएल मिनी जीएल आसानी से विन करा सकते हैं, उनको हम अपनी टीम में लेकर एक अच्छी टीम बनाएंगे। तो दोस्तों सारी बातें वीडियो में करने वाले हैं, वीडियो को पूरी देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। रिसेंट मैच की बात करूं तो दोस्तों इस पिच पर जो लास्ट मैच खेला गया था 9 जनवरी को, उसमें सिडनी सिक्सर्स ने 151 रन पर 4 विकेट्स गए थे और स्कॉटलैंड यानी कि एसयूआर पर्थ स्कॉचर्स 152 रन बनाकर चेजिंग कर लिया था। तो स्कोर्स बना था फर्स्ट मैच में 151, 4 विकेट्स गिरे थे, जबकि सेकंड टाइम चेजिंग कर लिया था और 5 विकेट्स उसके भी गिरे थे, जिसमें पेसर्स को 5 और स्पिनर्स को 4 विकेट्स मिले थे। जो दूसरा मैच 5 जनवरी को इस पिच पर खेला गया था उसमें एसटीआर ने 176 रन बनाए थे और 6 विकेट्स गिरे थे और सिक्सर्स ने चेजिंग कर लिया था 180 रन पर 3 ही विकेट्स खोकर। यानी कि एक तो आप देख रहे हैं कि 150 से ऊपर का स्कोर हो रहा है, यानी कि बैटिंग फ्रेंडली पिच हम मानकर चल सकते हैं। और विकेट्स की बात करें तो पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को विकेट्स है, पेसर्स को भी विकेट्स मिले और स्पिनर्स को भी। और दोस्तों तीसरी बात, विकेट्स यानी कि दोनों टीमों की तरफ से एक इनिंग्स में 9-10 विकेट्स ही गिर रहे हैं, दोनों मैचों में 9-9 विकेट्स ही गिर रहे हैं। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है, तो विकेट्स कम गिर रहे हैं, बैट्समैन को अच्छी खासी हेल्प है, हम आज के मैच में जो डिसाइड कर सकते हैं यहां से हम बैट्समैन 4 लेकर चल सकते हैं या फिर विकेट्स कीपर में अच्छे ऑप्शन है तो 2 विकेट्स कीपर लेकर चल सकते हैं, ताकि क्योंकि विकेट्स कम गिर रहे हैं और अच्छा खासा स्कोर्स हो रहा है इस मैच पर। अब दोस्तों इस पिच पर 2 ही मैच खेले जा चुके हैं जो कि दोनों ही मैच चेजिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज स्कोर्स 164 का है, हाईएस्ट स्कोर्स 176 का, यानी कि कुल मिला के बैटिंग फ्रेंडली पिच है, अच्छा खासा स्कोर्स होता है, 150 से ही ऊपर होगा। और बॉलर को बात करें तो पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को अच्छी खासी हेल्प है, तो दोनों को अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। अब दोस्तों इन दोनों के बीच हेड टू हेड की बात करें तो दोनों के बीच 18 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से सिडनी सिक्सर्स ने 11 और एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 7 मैच जीते हैं, तो सिडनी सिक्सर्स थोड़ी फेवरेट मानकर हम टीम बना सकते हैं। अब दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट्स, क्रिसलिन, एलेक्स कैरी, एडम होस, कोलिंग डी ग्रैंडोम, बैन मिनाटी, कैमरोन बॉयस, पीटर सिडल, वासगर और हेनरिक कोनवे, ये इनकी प्लेइंग 11 है। अब इनकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि कौन लास्ट मैच में कैसा परफॉर्मेंस करा और किसको हम अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों टीवी साइड की बात करें, प्लेयर्स अच्छे हैं लेकिन लास्ट मैच में 1 रन पर आउट हो गए और बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, फिर भी डिसेंट ऑप्शन है, मैं ग्रैंड लीग खेल दो तो इनको आप ट्राई कर लेना, लेकिन जिस तरह से लास्ट मैच में 1 रन पर आउट हो गए और बॉलिंग कर नहीं रहे हैं तो उतने अच्छे पिक होने वाले हैं नहीं ये, बाकी सिलेक्शन इनका कम है, प्लेयर्स अच्छे हैं तो आप इनको ट्राई भी कर सकते हो, एसएल में उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। मैट शॉर्ट्स दोस्तों जबरदस्त प्लेयर्स हैं और अच्छा खासा इन्होंने परफॉर्मेंस भी किया, ओपनिंग भी किया और या तो किसी मैच में ये बैटिंग से पॉइंट्स दे रहे हैं या किसी मैच में ये बॉलिंग से पॉइंट दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले मैच में 3 रन, 0 विकेट, 100 रन, 1 विकेट, 38 रन, 2 विकेट, 20 रन, 39 रन, यानी कि ठीक ठाक प्लेयर्स है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के थोड़े कम चांसेस हैं इनके बनाने के, क्योंकि अब इनकी टीम के मेन प्लेयर्स आ गए जैसे ट्रेविस हेड हो गए, एलेक्स कैरी हो गए, तो थोड़ा अब उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। बॉलिंग भी लास्ट ओवर में 1 ही ओवर डाला था, 12 रन पिटाई होने के बाद इनको दूसरा ओवर ही नहीं मिला, तो थोड़े कैप्टनसी वाइस कैप्टन के भी रिस्की ऑप्शन है। हाँ, टीम में आप इनको लेकर चल सकते हो। क्रिस लिन की बात करें दोस्तों, रिसेंट फॉर्म जबरदस्त है, 87 रन, 64 रन, 69 रन, 1 रन, 22 रन, अच्छा खासा स्कोर्स कर रहे हैं, तो और पिच भी बैटिंग को थोड़ा सूट कर रहा, तो क्रिस लिन अच्छे खासे ऑप्शन है। एलेक्स कैरी की बात करें तो दोस्तों लास्ट मैच में 2 रन पर आउट हो गए थे और सिलेक्शन इनका काफी कम है, 13% या 15% लोगों ने इनको लिया हुआ, बैटिंग ऑर्डर भी 4 नंबर पर है, जबरदस्त पिक रहने वाले इस मैच में, इनको आप आंख बंद कर भी ट्राई कर लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से इस मैच में आपको जीएल मिनी जीएल अच्छे खासे पॉइंट्स से विनिंग कर सकते हो, क्योंकि प्लेयर्स दमदार हैं, अच्छे खासे मोस्टली टाइम स्कोर्स करते हैं, विकेट्स कीपर ऑप्शन में, सिलेक्शन कम है, बैटिंग ऑर्डर ठीक है, यानी कि अच्छे खासे पिक होंगे, भले ही लास्ट मैच में 2 रन पर आउट हो गए हो, तो मैं एलेक्स कैरी को अपनी टीम में लेकर चलूंगा। एडम होस दोस्तों 5 नंबर पर बैटिंग ऑर्डर है, परफॉर्मेंस इनका अच्छा खासा रहा है।
अगर आप चार बैट्समैन ले रहे हैं तो एडम वो अच्छे खासे पिक हो सकते हैं आपके लिए, वो भी फर्स्ट बैटिंग में। सेकंड बैटिंग में थोड़ा एवरेज ही रहेंगे, फर्स्ट बैटिंग में ठीक ठाक पिक रहेंगे अगर आप चार बैट्समैन ले रहे हैं तो। फिर कोलिंग डी ग्रैंड होम की बात करें तो दोस्तों इस बीपीएल इनका परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा है। फिलहाल इनका बैटिंग ऑर्डर 6 नंबर पर आ गया और बॉलिंग भी इनके 102 ओवर ही करने को मिल रहा है, और लास्ट के मैच में तो इनको बॉलिंग मिली ही नहीं थी, तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, ड्रॉप ही करेंगे। बेन मेनाटी दोस्तों ऑलराउंडर ऑप्शन में है और उतने अच्छे प्लेयर्स भी नहीं है, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा नहीं है, 3 मैचों में सिर्फ 2 ही विकेट मिले तो ड्रॉप ही करेंगे। पीटर सिडल दोस्तों विकेट टेकर बॉलर्स हैं लेकिन इस बीबीएल में उतनी विकेट इन्होंने ली नहीं है, हालांकि लास्ट मैच में हमने इनको कंफर्म बोला था ट्राई कर सकते हैं और इन्होंने 2 विकेट निकाल ली, तो इस मैच में डिसेंट ऑप्शन है। फर्स्ट बॉलिंग में तो आप इनको ट्राई कर लेना, सेकंड बॉलिंग में उतने अच्छे पिक रहेंगे नहीं। कैमरॉन बॉयस दोस्तों लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले, 3 मैचों में 2 ही विकेट निकाल रहे हैं, तो ये भी उतने अच्छे पिक मेरे हिसाब से होने वाले हैं नहीं, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बॉलर्स को ज्यादा हेल्प नहीं है। दोनों ही इनिंग्स की बात करें तो 9 ही विकेट गिरे लास्ट के 2 मैचों से, तो बॉलर्स को थोड़ा कम ही मैं अपनी टीम में लेकर चल रहा हूं, तो कैमरॉन बॉयस उतने अच्छे ऑप्शन है नहीं। वैसे अगर दोस्तों ये ठीक है, डेथ में भी बॉलिंग करती है और विकेट टेकिंग भी बॉलर्स है, जिस मैच में विकेट्स लेते हैं 2 लेते हैं, नहीं तो एक आधा विकेट्स आप इनसे एक्सेप्ट भी कर सकते हो। अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो एक यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन भी होने वाले हैं। हेनरी कॉनवे दोस्तों ये टैलेंटेड है, विकेट टेकिंग बॉलर्स है और डेथ में बॉलिंग करें या पावर प्ले में बॉलिंग करें मोस्टली टाइम ये विकेट निकालते हैं, चालाक बॉलर्स हैं, तो इनको भी लास्ट मैच में 3 विकेट्स भी लेकर आ रहे हैं, सिलेक्शन भी ठीक ठाक है और पूरे अपने 4 ओवर बॉलिंग भी करेंगे, तो मैं इनको भी अपनी टीम में लेने वाला हूं। फिर दोस्तों सिडनी सिक्सर्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो जोश फिलिप्पी और स्टीवन स्मिथ ओपनिंग करेंगे, के पैटरसन, हैंक्यूरिज, जॉर्डन सिल्स, डैन क्रिस्टियन, हेडन केयर, सीन अबाउट और बेन डोरिस, नाथन एलन, स्टीवन ओकपी, ये इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। अब इनकी भी परफॉर्मेंस की बात कर ले कि रिसेंट मैच में कौन परफॉर्मेंस कर रहा और किसको अपनी टीम में लेने वाले हैं। जोश फिलिप्पी दोस्तों विकेट कीपर ऑप्शन में और लास्ट मैच में 54 रन बनाकर आ रहे हैं, मोस्टली टाइम अच्छा खासा स्कोर करते ही हैं ये, और जिस तरह की पिच है आप भले ही ये भी विकेट कीपर ऑप्शन में और उधर से आप एलेक्स कैरी को ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज कर रहे हैं, इधर ये एक सेफ प्लेयर्स है तो आप दोनों को ले सकते हैं, तो जोश फिलिप्पी मेरे हिसाब से अच्छे खासे पिक रहने वाले हैं, लास्ट मैच में भी 54 रन बनाकर आ रहे हैं। स्टीवन स्मिथ दोस्तों अच्छे ऑलराउंडर ही है, हालांकि फिलहाल तो बैट्समैन ऑप्शन में और बॉलिंग भी सादे का दौर कभी भी कर सकते हैं लेकिन चांसेस कम है, बैटिंग से लास्ट मैच में 36 रन बनाए, अच्छे खासे प्लेयर्स है, मोस्टली टाइम स्कोर्स का आपको करते हुए दिखाई देंगे, तो मैं इनको भी अपनी टीम में ट्राई करूंगा, हो सकता है बैटिंग प्रणाली पीछे कुछ अच्छा स्कोर्स भी कर जाए, यानी कि 50 प्लस का स्कोर्स कर सकती है। के पैटरसन दोस्तों लास्ट मैच में 23 रन बनाए लेकिन मैं इनको अपनी टीम में नहीं ले पाऊंगा, हालांकि है टैलेंटेड, चाहो तो आप ट्राई कर लेना, क्योंकि सारे बैट्समैन को तो अपनी टीम में हम ले नहीं सकते, तो के पैटरसन को मैं ड्रॉप करूंगा। एम हैंक्यूरिज दोस्तों ठीक ठाक इनका परफॉर्मेंस रहा है, उतना अच्छा तो नहीं रहा जितना इनका होना चाहिए था, ज्यादातर नहीं है कि मैच में 53 रन बना रहे हैं, लास्ट मैच में 6 रन पर आउट होकर आ रहे हैं, फर्स्ट बैटिंग आते तो ठीक ठाक भी करेंगे, नहीं तो मैं इनको भी ड्रॉप करने वाला हूं। जॉर्डन सिल्क्स दोस्तों अच्छे खासे ये पॉइंट्स दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में बीबीएल में, और अब बैटिंग करने का मौका मिलता है तो स्कोर्स भी अच्छा खासा कर रहे हैं, लेकिन इस मैच में मैं जॉर्डन सिल्क्स को भी अपनी टीम में नहीं लूंगा, सिलेक्शन भी इनका ज्यादा है, बैटिंग ऑर्डर भी 5 नंबर पर है, फर्स्ट बैटिंग आती तो इनको ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं इनको ड्रॉप करने वाला हूं। डैन क्रिस्टियन दोस्तों ये भी उतने अच्छे पिक है नहीं, एक आध ओवर ही बॉलिंग करते हैं, हालांकि लास्ट मैच में 1 ओवर बॉलिंग करते हुए इनको 2 विकेट्स भी मिले, फिर भी हर मैच में 1-2 ओवर बॉलिंग करते हुए इनको अपनी टीम में ट्राई नहीं कर सकते, तो ड्रॉप ही करेंगे। हेडन केयर दोस्तों ये अच्छे खासे प्लेयर्स हैं और मोस्टली टाइम ये विकेट्स निकालते ही है, पूरे 4 ओवर बॉलिंग करेंगे और अच्छी डेथ में बॉलिंग करेंगे, लास्ट मैच में 2 विकेट्स भी लेकर आ रहे हैं, इनको टीम में लेना। शीन अबाउट दोस्तों ये भी जबरदस्त प्लेयर्स हैं, लास्ट के 3 मैचों की बात करें तो 3-3 विकेट्स निकाल रहे हैं लास्ट के 3 मैचों से, अच्छे कैप्टनशिप वाइस कैप्टन के भी ऑप्शन है तो टीम में ट्राई करना। नाथन लियोन दोस्तों इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए मेगा ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग में, क्योंकि इस पिच पर स्पिनर्स को भी लास्ट के 2 मैचों की बात की तो अच्छे खासे विकेट्स मिले हैं, तो आप चाहो तो नाथन लियोन को ट्राई कर लेना। उसी प्रकार स्टीवन ओकपी भी स्पिनर्स है, इनमें से एक को आप टीम में ट्राई कर सकते हो। बेन डोरिस फर्स्ट बैटिंग आती है तो बेन डोरिस अच्छे होंगे, नहीं तो आप किसी एक स्पिनर्स के साथ जाना, या तो स्टीवी ओकपी हो सकते हैं, नाथन लियोन हो सकते हैं। अब दोस्तों मैं ड्रीम इलेवन ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को बता दूं कि मैंने किस किस प्लेयर्स को अपनी टीम में लिया हुआ, और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लाइक करते हैं समर्थन मिलता है, प्यार मिलता है, आपका अच्छा लगता है। तो दोस्तों विकेट कीपर की बात करें तो मैंने दोनों विकेट कीपर को लिया हुआ,
एलेक्स कैरी को भी और जोस फिलिपी को भी। मैंने दो विकेट कीपर इसलिए है क्योंकि एक तो इस पिच पर 180 के आसपास स्कोर हो रहा है और दोनों ही अच्छे खासे हैं। हालांकि एलेक्स कैरी का तो सिलेक्शन बहुत कम है, फिर भी एलेक्स कैरी ट्रंप कार्ड के यूज में यानी कि मेरे सबसे 30 प्लस का स्कोर आसानी से कर देंगे इस मैच में, जो कि एक यूनिक प्लेयर्स होंगे, इसलिए मैंने एलेक्स कैरी और जोस फिलिपी दोनों को लिया हुआ है। बैट्समैन की बात करें तो स्टीवन स्मिथ, क्रिस लिन और मैंने एडम होस को भी लिया हुआ है। आप चाहो तो एडम होस की जगह पर जॉर्डन सिल्स को ले सकते हो, क्योंकि एडम होस और जॉर्डन सिल्स दोनों का परफॉर्मेंस इस बीपीएल में अच्छा खासा रहा। फिलहाल मैं एडम होस के साथ गया। बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों सीन अबाउट को लिया हुआ मैंने और हेडन केयर को, दोनों ही चार चार पूरे ओवर बॉलिंग करेंगे, बैटिंग आने पर बैटिंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं। बॉलर्स की बात करें तो मैंने पीटर सिडल, हेनरी कॉनवे, बेन डोरिस और वैसगर को लिया हुआ। आप चाहो तो एक बॉलर्स को ड्रॉप करके यानी कि पीटर सिडल को ड्रॉप करके स्टीवन ओकिफी को ले सकते हो या नाथन एलन को, क्योंकि इस पिच पर स्पिनर्स को हेल्प है, ये आप चेंजेस कर सकते हो इस टीम में। बाकी और मेरी तकरीबन सेम टीम रहने वाली है। कैप्टन की बात करें तो मैंने वैसगर को बनाया हुआ। अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है एडिलेड स्ट्राइकर्स तो मैं वैसगर को कैप्टन बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं सीन अबाउट का कैप्टन बनाऊंगा अगर सिडनी सिक्सर्स फर्स्ट बैटिंग बॉलिंग करती है तो, क्योंकि दोनों डेथ में बॉलिंग करते हैं और दोनों ही लास्ट मैच से तीन तीन यानी कि दो दो विकेट निकाल ही रहे हैं। वाइस कैप्टन इसमें मैंने स्टीवन स्मिथ को बनाया हुआ है, थोड़ा रिस्की लेकिन इस मैच में ये अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने वाइस कैप्टन स्टीवन स्मिथ को बनाया हुआ। एक प्लेयर और है दोस्तों जो आप अपनी टीम में ट्रम्प कार्ड के प्लेयर्स में यूज कर सकते हो, जो कि बेस्ट प्लेयर्स है, टी हेड, ट्रेविस हेड, जो कि ऑलराउंडर ऑप्शन में है। और उसका सिलेक्शन जब मैं टीम बना रहा था देखा तो बहुत कम था और प्लेयर्स अच्छा खासा है। बाकी किसी टीम में मैं उसको अपनी टीम में लूंगा, या तो मैं एलेक्स कैरी को ड्रॉप करके ट्रेविस हेड को लूंगा या फिर जोस फिलिपी को, क्योंकि मैं बॉलर्स में से ही विकेट कीपर में से ही ड्रॉप करके ट्रेविस हेड को ले सकता हूं, या फिर पीटर सिडल की जगह पर मैं ट्रेविस हेड को ले सकता हूं, ये चेंजेस मैं कर सकता हूं। बाकी जो मेरी फाइनल टीम होगी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसलिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले मैच में आप लोगों से।